हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी बैच टेक्निकल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ नट्स के बारे में। नट का इस्तेमाल बोल्ट और स्टड के साथ किया जाता है एज अ फास्टनिंग के लिए, ठीक है। और नट कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या नाम होता है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप सभी को नट के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। अगर आप मैकेनिकल फिटर हैं या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सेल्फ स्टडी बैच को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। बेस जो होता है वो फ्लैट होता है और इसमें प्रोजेक्शन निकले होते हैं, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल वुड या प्लास्टिक बोर्ड के साथ किया जाता है। और हमारा दूसरा है रिंग नट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इसकी आउटर सरफेस पे, ठीक है, स्लॉट कटे होते हैं जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है बेरिंग के साथ या फिर अडाप्टर स्लीव के साथ। और इसको ओपन करने के लिए सीज स्पैनर या फिर हुक स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमारा तीसरा जो है वो है विंग नट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा नट होता है उसके दो साइड होते हैं, ठीक है, दोनों साइड में विंग होते हैं। यानी कि विंग टाइप का स्ट्रक्चर छोटे छोटे मेटल पीस को वेल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो, जिसकी वजह से इसे आसानी से हाथ से खोला जा सकता है और इसको लूज भी किया जा सकता है। हमारा जो चौथा है वो है हेक्सागोनल नट, ठीक है, यह कॉमन टाइप का नट होता है और ये मोस्टली हर जगह यूज होता है, ठीक है। इसमें छह साइड होते हैं और छह फेस होता है, ठीक है। और इसका ऊपर का जो एज होता है वो 30 डिग्री में चैम्फर होता है। अब हमारा अगला है हैवी हेक्स नट, ठीक है, यह थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और ये इस प्रकार बनाया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोड को ये उठा सके, ठीक है। और ये चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है हैवी हेक्स नट की। अब हमारा अगला है कपलिंग नट, यह एक स्पेशल तरह का नट होता है, ठीक है, जिसे कि एक्सटेंशन नट भी कहा जाता है। यह एक तरह का थ्रेड एंड फास्टनर है, ठीक है, दो मेल थ्रेड पार्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए मोस्टली कपलिंग नट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पाइप में, ठीक है। और क्या नाम है, इसमें छह फेस होते हैं, ठीक है, कपलिंग नट में छह फेस होते हैं। और इसको स्पैनर या फिर रिंच से खोला या फिर टाइट किया जाता है। हमारा अगला जो है वो है जैम नट, यह एक तरह का लो प्रोफाइल टाइप नट होता है, ठीक है। और इसका हाइट जो होता है वो आधा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड हेक्स नट का, ठीक है। यह एक टाइप का लॉक नट भी होता है एज अ चेक नट, इस टाइप के जैम नट को यूज करते हैं, इसकी हाइट भी कम होती है, ठीक है। दोस्तों, अगला हमारा स्क्वायर नट। स्क्वायर नट क्या होता है, नाम से ही क्लियर होता है, यानी स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। और इसमें चार साइड होते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड हेक्स नट के साथ, ठीक है, तो इस टाइप के नट में क्या होता है, ग्रेटर सरफेस एरिया इसमें होता है। और इसके क्या होता है, जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जिस पार्ट को हम लोग फास्टन करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो ये जल्दी लूज नहीं होता, ठीक है। दोस्तों, अब हमारा अगला जो है वो है नायलॉन इंसर्ट लॉक नट, ठीक है। ये क्या होता है, जैसा कि आप वीडियो उस पे इमेज पे देख रहे हो, इसमें नायलॉक नट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको इलास्टिक स्टॉप नट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नायलॉन का कॉलर होता है और नट के आगे में क्या होता है, और जब बोल्ट में ये घुसता है तो जो नायलॉन वाला पोर्शन होता है उसी समय में वो क्या होता है, वो थ्रेड को काटता है और इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होता है और वो बोल्ट को क्या करते हैं, अच्छे से लॉक करके रखता है।
ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला है कैप नट। कैप नट मतलब इस नट का, मतलब नाम से पता चल रहा है कि इस नट के ऊपर एक कैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो थ्रेड पे ये मॉइस्चर को जाने से रोकता है। इसका मैक्सिमम यूज होता है वो फैंसी, जो फैंसी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है कैप नट का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।